जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। ये तो देखिए, चलिए, EB1 EMCC 11 और 380 220 वोल्ट AC 3 फेस। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर का है ये। तो अभी इसको देखिए, ये इतना बड़ा पैनल है, तो अंदर से भी हम खोल के आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। ये सब कंपनी के तरफ से बना बनाया आया हुआ है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, मेन केबल डालना है। ये सब इसका वायरिंग आप लोग देख लीजिए अच्छे से, हम भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसका कनेक्शन के लिए ये वाला जगह बनाया हुआ है, तो ये सब हम आपको खोलेंगे तो उस टाइम में दिखाएंगे। और ये देखिए, इधर सीटी दिया हुआ है इधर अंदर की तरफ। चलिए, उधर का खोल दिए हैं कवर, तो दिखा देते हैं आपको। तो ये सब देखिए, ये सब दिया हुआ है, पंखा का, ये स्मोक का है, तो ये सब कनेक्शन है इसमें। ये रहा एक ब्रेकर, और नीचे स्पेयर एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसका, एक दो इस तरफ रही है, ऐसे ओपन है। देखिए, इधर भी दिया हुआ है कनेक्शन करने के लिए मोटर का। तो अभी आप लोग देखिए, ये वाला डोर जो है वो खोलना है, ऐसे ही तीन डोर है। ठीक है, चलिए इसको पहले खोल के निकाल देते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे बैक साइड भी कैसा है इसका। इसका खोलेंगे, एक स्क्रू यहाँ पे है, इसको भी खोल लेते हैं। इसमें गलती हुआ है क्या, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये दो पार्ट में है ना। तो इधर दिया हुआ है कनेक्शन के लिए ये वाला, इसमें एडजस्ट फैन का कनेक्शन होगा, मोटर वोटर का कनेक्शन होगा इस सब में। और इधर दिया हुआ है मेन पैनल का ब्रेकर है, ये सबको सप्लाई करेगा ये मेन ब्रेकर। तो वो लोग ट्रे जो लगाया है वो देखिए उस साइड में लगा दिया, केवल लेके इधर आना है इस साइड में। ठीक है, तो गलती यहीं हुआ है, तो इसको हम लोग सही करेंगे। तो इसको हम लोग क्या सोच रहे हैं करने के लिए, केवल ऊपर से डालेंगे, इस जगह पे होल मारेंगे, यहाँ पे होल मारेंगे, फिर यहाँ पे भी होल मारेंगे इस साइड से। इसीलिए तीनों साइड खोला, और फिर इधर लेके आएंगे, इधर तक लेके आएंगे, छीलेंगे केवल को, और ये सीटी के अंदर से पास कराएंगे। फिर ये देखिए कितना कम स्पेस दिया हुआ है, यहाँ से ब्रेकर में कनेक्शन होगा। ये पीछे का बसवार में सेफ्टी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ये ब्रेकर के लिए गया हुआ है। तो चलिए, अभी ये केवल हम लोग डालेंगे, ये केवल है इसका, 16 का केवल है, 16 का। तो अब ये पूरा खुल गया है, और तीनों साइड से काम करने के लिए, यहाँ पे देखिए कितना डेंजर ओपनिंग भी है, और यहाँ पे जगह नहीं है काम करने के लिए, देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग को काम करना है, चलिए होल होल मारते हैं, केवल डालते हैं। इसका होल मारने का टाइम आ गया है, ये देखिए 32 का होल शो है, और ग्लेन भी 32 का है, और ये पीजी है, ग्राउंडिंग के लिए लगाएंगे पीजी। पीजी जो है वो ग्राउंडिंग के लिए लगाएंगे, और ये पीजी के लिए होल मारेंगे इसी बीट से। तो पहले इसको चेंज करते हैं, इसमें 25 का है, इसको खोलेंगे पहले। ठीक है, बुरा आ गया है, तो
चलिए ऊपर अब चलते हैं, मार्किंग करेंगे पहले। फुल मार देते हैं, बस ये हो गया। अब पीजी के लिए चाहिए तो पहले बीट चेंज करेंगे ये वाला, तब तक बंद कर दीजिए, मुश्किल नहीं है। देखिए अभी ये वाला होल केवल के लिए और ये वाला पीजी के लिए मार दिए हैं। ये पीजी का टाइट कीजिए तारा जी, थोड़ा मारिए, कसिए इसको। अब क्या करेंगे, ये वाला ग्लेन भी जो है होल जो मारे थे हम लोग उसी में टाइट कर देंगे। टाइट कीजिए ये नीचे से। चलिए तो अभी केवल डाल, इसमें केवल डाल देते हैं, ग्राउंडिंग डाल देते हैं। ये तो अभी इसमें केवल डालते हैं, थोड़ा वो पुश कीजिए पीछे से, पुश कीजिए। पुश कीजिए थोड़ा सा, जाइए नीचे जाइए, अब कीजिए राजा जी। सवार कीजिए, थोड़ा सवार पहुंच गया है, अब ये हो गया बैठ गया। अब ग्राउंडिंग डाल देते हैं। खींचिए 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 खींचिए, बस खलास। और टाई दीजिए, ड्रेसिंग कर देते हैं अभी की बार। देखिए अभी फ्रेम में हम बांध दिए हैं, नीचे भी बांधेंगे, तो अभी टाई को काट देते हैं पहले। अच्छा से ऊपर आइए राजेश भाई, सीढ़ी पर। देखिए अभी ये इसका ग्लेन इधर है, सबर सबर केवल इधर है, तो इसको इसी हिसाब से बैठाना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये लगाइए टोपी, इसका लगाइए। सही हो गया, अच्छा हो गया। अभी पकड़िए मैं इसका ड्रेस, बढ़िया से टाई मारेंगे पहले। ठीक है अभी ये यहाँ पे और मार देंगे, खलास फिनिश हो जाएगा, सटा नहीं रहने चाहिए। बंदे में सब हो गया, अरे बंद नहीं। तो अभी ये ड्रेसिंग आपका ग्राउंडिंग का भी हो गया और इसका दोनों का साथ साथ में हो गया है।
आप सब देख सकते हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं, नीचे भी होल मारेंगे। देखिए अभी ये ऊपर से डाल दिए ट्रे से, अब इसको लेके जाना है उस साइड में, तो यहाँ पे एक होल मारते हैं, यहाँ पे बड़ा होल मारेंगे, फिर इधर आएगा, फिर सिटी में जाएगा, सिटी से फिर ब्रेकर में जाएगा। बहुत प्रोसेस है इसका। चलिए तो पहले होल मारते हैं। होल सो इसका किधर है, बड़ा वाला निकाले थे ना, ये वाला साइज का होल मारेंगे। खोलिए। चलिए तो यहाँ पे पहले एक होल मारते हैं। बिट टूट गया ना, बिट टूटता नहीं है, मैग्नेट है। साइड में देखे तो कुछ आ नहीं ना रहा है। देखिए अब ये होल मार दिए, इसको फाइल मारेंगे, पहले प्रेस करेंगे, नहीं तो इसमें केबल कट जाएगा। फाइल मारिए, इसको रगड़िए चारों तरफ से अच्छे से। अभी होल प्रेस हो गया, तो चलिए अब ये वाला इंसुलेशन जो है लगा देते हैं, नहीं तो ये कट जाएगा केबल, इसमें लगेगा तो बहुत तेज हो गया है, ये काट के लगाएंगे। देखिए अभी हम इसमें इंसुलेशन जो है लगा दिए हैं, अभी केवल जाएगा उधर ही, ग्राउंडिंग तो यहीं पे मार देंगे, मुश्किल नहीं है, इसमें ग्राउंडिंग लगा देंगे, लेकिन केवल उधर डालना पड़ेगा। चलिए राजेश भाई डाल देते हैं केवल को। रेडी हैं? क्या हो साबर? चलिए पहले इसको छीलते हैं तब डालेंगे, जैसे अच्छा नहीं दिख रहा है डाले थे, खींच दिया बाहर का ना, बड़ी धाम धाम धाम। रोक दीजिए, रोक दीजिए, देख रहा हूँ। अरे हमारा, चलिए अभी दूसरा वाला भी छील देते हैं, ताकि वायर ऐसे मिल जाए हम लोग को, थोड़ा लूज हो जाएगा, थोड़ा ना वायर हमारे से ऐसे वायर निकलेगा, दूसरा वाला इंसुलेशन निकलेगा। तो देखिए कॉपर का प्योर वायर है। चलिए तब इसको अच्छा से इसका इंसुलेशन दूसरा वाला भी उतार लेंगे, जबरदस्त तरीके से उतरेगा ये। चलिए देखते रहिए, ये बहुत घटिया केबल है, इसका पूरा इंसुलेशन जो है वो चिपक गया है। चलिए तब केबल छील दिए हम लोग। केबल छीलने के बाद में अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ से छीले हैं वहाँ पे टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद में ये होल में डालेंगे और टाई मारेंगे, नहीं तो अच्छा दिखता नहीं है, वहाँ से कटा रहता है, तो अच्छा से टेप लगाएंगे। चलिए टेप लगा के फिर आगे हम। टेप लगाने के बाद में ये देखिए इसमें सेफ्टी जो दिया हुआ था वो सेफ्टी निकाल देंगे। सेफ्टी निकालने के बाद में डाल के इस तरह से होल में डाल दिए और ये टाई मार देंगे, थोड़ा ये मजबूत रहेगा, वाइब्रेट वाइब्रेट करेगा तो इधर उधर नहीं करेगा, अच्छा से बढ़िया से टेप मारेंगे। देखिए कितना फ्रेश केबल दिख रहा है छीलने के बाद में, थोड़ा टाइम पकड़ता है लेकिन अच्छा लगता है छील जाता है, तो इस तरह से टाई मार के बैंड करके। देखिए अभी हम टाई मार देंगे, टाई काटने के बाद में अब इसका टर्मिनेशन होगा, तो आप लोग बने रहिए पूरा वीडियो देखिए अच्छा से, देखिए कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है अभी।
ये जो मेन ब्रेकर है, वो मेन ब्रेकर जो है वो उसका कवर अभी खोल देंगे कनेक्शन के लिए। तो ये हम लोग खोल रहे हैं, दो स्क्रूप दिया हुआ है, चार स्क्रूप होता है इसमें। इसको अच्छा से खोल के निकाल देंगे बाहर। ये देखिए हम लोग केवल डाल दिए हैं। केवल डालने के बाद ये देखिए इधर से बांध के लेके आए हैं, ये होल से बाहर निकाले हैं। उसके बाद इधर देखिए, उसके बाद ऊपर में टाई मार के इधर लेके आए हैं। देखिए ये इंसुलेशन लगा दिए हैं ताकि कटे पीटे नहीं, और फिर इधर भी इंसुलेशन लगा दिए हैं कॉर्नर। ये देखिए सीटी के अंदर से हम लोग डाल के इसको ये ब्रेकर के तरफ कर दिए हैं, और ये वाला इसमें बांधेंगे। फिर ये नीचे की तरफ, ये वाला ये न्यूट्रल है, ये ग्राउंडिंग है, ये न्यूट्रल है और ये ग्राउंडिंग है। इसमें न्यूट्रल में न्यूट्रल डाल देंगे। अभी इधर पूरा ड्रेसिंग करके अच्छे से लेके हम लोग आए, और फिर ये रहा ब्रेकर, ये रहा कनेक्शन बॉक्सिस का। तो इसमें कनेक्शन करेंगे वन बाई वन। अभी लॉक लाने के लिए गया हुआ है, लॉक लेके आएगा, तब तक इसको खोल के निकालते हैं पहले। ये वाला एलन की बैठने नहीं देगा सही से। चलिए इसको खोल देते हैं। चलिए तब केवल डालने के बाद में रेड वायर को देखिए फोल्ड करके मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग करके इसको क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद इसको वो छील देंगे नाइफ से, छील के इसमें क्लैंप, इसका लॉक जो है वो लॉक लगा के ऐसे क्लैंपिंग कर देंगे। ऐसे ही तीनों को अभी रेड का कर दिए, येलो का करेंगे, फिर ब्लू का करेंगे। ऐसे ही तीनों को करके फिर उसमें लॉक दिया हुआ है एलंकी से कसने के लिए नट, तो उस नट को टाइट करेंगे। चलिए अभी रेड को फिलहाल हम लोग कर दिए हैं, तो रेड को लगा देते हैं बढ़िया से। फाइव का एलंकी इसमें लगता है। चलिए तब रेड लगाने के बाद में जो है वो येलो को ऐसे ही काटेंगे, छीलेंगे, और इसमें इस तरह से छील के इसमें फिर लॉक इसका डालेंगे, फिर पंचिंग करेंगे। फिर इसको ले देखिए पंचिंग कर दिए हैं, और उसके बाद इसमें रेगम लगा देंगे। पंचिंग करने के बाद ये जैसे रेड लगा है ऐसे ही इसको भी लगाना है। उससे पहले इसको खोलना होगा, उसके लॉक को खोलेंगे। खोलने के बाद इसमें रेगम डालेंगे। रेगम डालने के बाद में वो लॉक जो दिखाए थे वो लॉक खोल लेंगे, और इसमें जो इसका सिस्टम है वो इसके नट को फंसाएंगे। ये नट इसमें लगेगा, एलंकी सेट है। तो अब इसको भी पीछे की तरफ से रेड येलो और ब्लू को जो है वो फुल टाइट कर देंगे टर्मिनेशन करने के बाद में। अभी ये फुल टाइट हो गया आपका। तीनों टाइट होने के बाद में इसको देखिए ब्लू वायर जो है वो क्रॉस आया हुआ है, उसको भी सही करना होगा। तो पीछे से उसको हम जाके सही कर देंगे, खींच देंगे पीछे चला जाएगा। फिर ये तीनों एक एक साइड से हो जाएगा, क्रॉस हुआ है। और इसमें सेफ्टी भी डालना है, नीचे के तरफ ये जो कॉर्नर उसका दिख रहा है उस पर भी सेफ्टी लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल इसको हीट गन से हीट कर देते हैं ताकि रेगम इसका चिपक जाए। तो देखिए अभी हम हीट कर रहे हैं हीट गन से, और ये ब्लू अच्छा नहीं दिख रहा है तो ब्लू को पीछे खींच देंगे, वो भी अपने जगह पर आकर बैठ जाएगा। हीट कर लेने के बाद में जो है सो उसको पीछे से, अभी देखिए इसमें ये जो वायर क्रॉस चिपका हुआ था कॉर्नर पे, उसको उसका सेफ्टी जो है वो हम लोग लगा दिए। सेफ्टी लगाना बहुत ज़रूरी है, देखिए सेफ्टी लगा दिए ताकि वायर कटेगा नहीं।
नहीं तो घुस जाता है वायर के अंदर वो। अब ये ब्लू को सही करेंगे, तो अभी आप लोग देख सकते हैं ब्लू पहले क्रॉस था, अभी बाहर निकाल दिए उसको हम लोग। अब चलिए ग्राउंडिंग को करते हैं, ग्राउंडिंग को अच्छा से आयरन बना के इसको भी डाल देंगे। अभी लॉक लगेगा, लॉक तक तो वो है ही है, लॉक के हिसाब से काट लो। देखिए लॉक लगाने के बाद इसका हम लोग पंचिंग कर रहे हैं, अच्छा से पंचिंग कर देंगे, फिर इसको ग्राउंडिंग वाले बसवार में टाइट कर देंगे। ये देखिए पंचिंग कर रहे हैं हम लोग क्लैंपर से, अच्छा से पंचिंग करके, और उसका जो बसवार है उस बस देखिए नट बोल्ट 6 का इसमें लगेगा, स्क्रू है 6 का स्क्रू जो है वो लगा के अच्छा से टाइट कर देंगे। उसके बाद बच जाएगा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का भी काम करेंगे। उसके बाद आपका पूरा टर्मिनेशन कंप्लीट है। तो अभी वो व्हाइट वाला जो सिटी है वहां पे थोड़ा टाइम आ, ग्राउंड रेस के साथ नहीं नहीं उसके साथ ही, इसीलिए उसमें अभी ये तीनों कलर में भी मार देते हैं थोड़ा अच्छा से बैठा के टाई। अभी इसका बैंड बना के न्यूट्रल का लेके आएंगे नीचे तक, और इसको भी बसवार में लगा देंगे। नीचे तक मारो, देखिए न्यूट्रल हम लोग ऊपर से नीचे तक बांध के लेके आ गए हैं। अभी इसको छीलेंगे और इसका पंचिंग करेंगे लॉक, और फिर बसवार में इसको भी डाल देंगे।